आज हम आपको दिखाएंगे चांदनी चौक मार्केट और बल्ली मारन मार्केट। चांदनी चौक मार्केट जो है दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है। बेसिकली जो है लहंगा यहाँ पर जो है मिलते हैं, लहंगे साड़ीज इन सब का कलेक्शन है। और बल्ली मारन जो है वो फुटवेयर्स के लिए है। तो आज हम दोनों मार्केट आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं मेट्रो स्टेशन। बस अब डाल दो, आ गया नीचे। ये क्या हो गया? क्या हो गया? दे दिया। ये ठीक नहीं था नोट। अच्छा नया नोट चाहिए, नया दे। लो नया डाल दो। ले लिया कर तो दिया रिचार्ज हो गया। हाँ ले लो कार्ड। हाँ ले लो। गोरे गोरे। अब अपना कार्ड रिचार्ज करने के बाद हम आ गए ऊपर अपनी मेट्रो का वेट करते हुए। डायरेक्ट आपको जो है मेट्रो मिल जाती है चांदनी चौक की। तो यहाँ पर हम जो है मेट्रो में बैठ गए थे। उसके बाद अब हम जो है आगे आपको मार्केट दिखाएंगे। बट चांदनी चौक से आपको नई सड़क के लिए रिक्शा लेनी होती है, यहाँ से रिक्शा ही जाती है। यहाँ पर आप अपना खुद का व्हीकल नहीं ले सकते और ऑटो भी नहीं जाते अंदर। तो ये हमने यहाँ से रिक्शा ली थी। रिक्शा आपको नई सड़क पे बिल्कुल अंदर छोड़ देगी मेन मार्केट में। ये देखिए क्राउड तो बहुत ज़्यादा है चांदनी चौक में। और अभी तो अंदर गए नहीं है, मार्केट में देखना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर क्राउड है। ये देखिए ये हम आ चुके हैं मेन चांदनी चौक मार्केट। वेलकम टू द चांदनी चौक मार्केट। अभी अंदर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी किस तरह की मार्केट ये है। तो चलते अंदर। ये देखिए यहाँ पर आपको साड़ी लहंगे ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस तरह का कलेक्शन। बाकी आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो मेन मार्केट है वो लहंगे और साड़ी के लिए है। तो ये ये मुझे यहाँ पर जो है बुक्स मिली, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर चांदनी चौक में भी, वैसे दरियागंज में मिलती हैं ये। अगर किसी को बुक चाहिए होती है तो वो दरियागंज में अवेलेबल होती है। ये देखिए लहंगे कितने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको यूनिक मिलेगा, मेन मार्केट यही है लहंगे के लिए दिल्ली में। हमने भी यहाँ पर जो है एक शॉप देखी, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा, ये था वो। उस शॉप पे भी काफ़ी अच्छे लहंगे हमें लगे। बट जो है चांदनी चौक की फेमस जो शॉप है वो है अरुण वस्त्र भंडार। और इससे आके हमने लहंगे नहीं देखे तो फिर चांदनी चौक में क्या देखा। तो ये देखिए अरुण की शॉप के अंदर इस तरह से भीड़ और लाइन लगी हुई है, जैसे यहाँ पर कोई चीज़ फ्री में बट रही थी। इतना क्राउड आपको कहीं भी पूरी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको अकेली शॉप पे देखने को मिलेगा। इस शॉप पे बेसिकली क्या है, चार फ्लोर्स बने हुए हैं जहां पर आपको साड़ी लहंगा इस तरह से अलग अलग सूट भी मिल जाते हैं यहां पे। तो जिस तरह का भी आपको कलेक्शन देखना हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए भीड़ तो बस इतनी है कि शॉप पर आप आ गए ना तो आपका पता नहीं कितना टाइम निकल जाना है। तो इस पे कभी भी आओ, जल्दी आओ। बट कलेक्शन अच्छा था, रीजनेबल प्राइस था, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है एक टाइम पे 99 कस्टमर्स को ही अलाउ करते हैं, बट पूरे दिन में 99 जो है भेजते भेजते अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है वो आप देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर।
हर फ्लोर पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में कोई चीज़ बट रही है यहाँ पे। ये देखो कुर्ती वाली शॉप पे भी ऊपर कुर्ती वाले जो फ्लोर बने हुए हैं ऊपर उस पे भी ऐसी ही भीड़ थी। लहंगे वाली पे ये देखो, ये लहंगे के लिए हमारे एक ये जो थी लड़की ट्राई कर रही थी लहंगा, इसको ऐसे देखना होता है कि किसी को लेना तो इसी को लो, ऐसे बाकी जो है देखेंगे। ये फिर जो है इसके बाद मैंने ट्राई किया एक लहंगा, ये मैं ट्राई कर रही थी। बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से देख रहे थे जैसे बस मॉडल को देखना है और कोई काम नहीं, लहंगे को टच तो वो कर ही नहीं सकते। देखिए ये लहंगा देखने वालों में है, अलग अलग काउंटर पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये लहंगा मैंने ट्राई किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो है हमने और भी लहंगे देखे, जो लहंगा हमने लिया है वो आपको देखने को मिलेगा वेडिंग में ही, तो उसके लिए आपको वेडिंग तक का वेट करना होगा। फिर हम नीचे साड़ी देखने के लिए आए, उसके बाद जो है हमने अपना लहंगा पैक करा दिया था तो वो हमें गेट नंबर 2 से रिसीव होना था। फिर हम गए बाहर मार्केट में बल्ली मारन, ये मार्केट जो थी चप्पल के लिए थी, थोड़ी सी दूर थी यहाँ से, जो है आप फुटवेयर लेटेस्ट कलेक्शन में आप ले सकते हैं यहाँ से। तो हम इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से चले गए क्योंकि थोड़ी दूर थी। ये देखिए बल्ली मारन मार्केट है, हमें यहाँ पर जो है कुछ खास कलेक्शन लगा नहीं इसलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया, बट हमने देखा कि काफ़ी थे फुटवेयर्स लेकिन हमें जो चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। सो गाइज अब हम आ रहे थे वापस, ये हमें रास्ते में गुरुद्वारा दिखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मार्केट की फुल कवरेज करने की मैंने कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।